हाय एवरीवन, माय नेम इज शान बसीन। वेलकम बैक टू दिस चैनल द एस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, मैं बहुत टाइम से, दो महीने से मैं यूट्यूब के अंदर एक्टिव नहीं था एंड मैं टेलीग्राम, कोई भी सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव नहीं था। मेरी अभी प्रेजेंस थोड़ी नहीं थी क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं मार्केट के अंदर नहीं आ पाया, मैं मार्केट पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। बट अब मैं दोबारा आ चुका हूँ मार्केट के अंदर एंड विद इन फ्यू डेज, लास्ट फ्यू डेज से मैं मार्केट को अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ। मैं सारे न्यूज़ को पढ़ रहा हूँ, सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी करी है और आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो मैं दोबारा ये सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 स्टॉक्स जो आप लोग बाय कर सकते हैं कल के लिए विद डिटेल्ड एनालिसिस। इसके अलावा मैं टेलीग्राम के अंदर भी लाइव या एक्टिव हो चुका हूं और कल से मैं आप लोगों को वहां पर भी प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करूंगा विद प्रॉपर रिसर्च कि आप लाइव मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें और लेकर आया हूं जो कि लाइफ टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर पढ़ने वाली है, जिसपे आप लोग खुद ट्रेड कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। रिपोर्ट्स आपको सारी मिलेंगी, मार्केट का पूरा अपडेट आपको रहेगा एंड एवरीथिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो और हमें टेलीग्राम चैनल पर जाके फॉलो करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। मैं दोबारा एक्टिव आने वाला हूँ और मैं अपना पूरा स्केड्यूल आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे अराउंड 10:30 to 11 तक शेयर कर दूंगा कि कल मैं कौन सी वीडियो डालूंगा, कितने बजे डालूंगा। मैं YouTube के अंदर डेली बेसिस पे लाइव भी आया करूंगा, कितने बजे मैं लाइव आऊंगा लाइव मार्केट के अंदर, जहां पर मैं आपको बता सकूंगी कैसे ट्रेड लेना है, कौन सा अभी करंट ट्रेड चल रहा है जिसको आप ले सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग भी होगी एंड एवरीथिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस फुल वीडियो। मजा आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, कुछ सीखने को मिला तो जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं वीडियो के अंदर, हैव अ वेरी गुड डे गाइस। सो हाय एवरीवन, यहां पर हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं निफ्टी को, ठीक है। सो निफ्टी के अंदर हम लोगों ने अभी रिसेंटली पास 2 महीनों में देखा कि एक अच्छी खासी हम लोगों को रैली देखने को मिली है और एक स्ट्रेट अप रैली नहीं थी, मार्केट वॉलेटाइल थी, मार्केट कंसोलिडेट करती थी, ब्रेकआउट देती थी, मार्केट रिट्रेसमेंट लेती थी एंड ब्रेकआउट देती थी। आप देख सकते हैं कि मल्टीपल लेवल पे ब्रेकआउट, यहां पर इसने रिट्रेसमेंट लिया एंड गेव अप रैली, अगेन रिट्रेसमेंट लिया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, एक नया स्विंग हाई क्रिएट करा एंड माइनर रिट्रेसमेंट, अगेन एक रैली एंड अगेन एक रैली। सो यहां पर अब आप लोगों के ना माइंड में ये चीज चल रही होगी कि सर यहाँ पे अब इसने लोअर लो ब्रेक कर दिया है, ठीक है, इट मेक्स अ लोअर लो। प्रीवियसली इसने कहीं पर भी लोअर लो को मेंटेन नहीं करा। अगर मैं इस लाइन को हटाता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इट क्रिएटेड अ डबल टॉप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रीवियसली भी एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, प्रीवियसली भी एग्जैक्टली इस जगह जाके एक रेजिस्टेंस था। तो डेफिनेटली हम मान के चल सकते हैं कि अगर अपने बॉटम से एग्जैक्टली 15,000 रुपीज के लेवल से अगर ये 18,000 तक आता है तो उसको एक पॉज लेना बनता है, क्योंकि एग्जैक्टली 18,000 के लेवल से ही हम लोगों ने एक फॉल देखी थी जो 3,000 पॉइंट्स तक नीचे ड्रॉप करी थी। सो यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है कि एक साथ ही ब्रेकआउट नहीं देगा। फर्स्ट टाइम इसने ट्राई करा, नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे गया, अगेन यहाँ से बायर्स री एंटर हुए, अगेन इसने इस का स्विंग हाई भी ब्रेक करा एंड वहां पर भी वो सस्टेन नहीं कर पाया। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि ये लेवल तो ब्रेक हो चुका है और एक गैप डाउन के साथ ब्रेक हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये अभी एक माइनर रेजिस्टेंस बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है 17,000 पे, तो 17,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 17,150 से 17,200 रुपीज तक पे। तो एक बार मैं आपको अर्ली चार्ट पे लेकर चलता हूँ, यहाँ पर आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि ये एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ था, इसी लेवल से बाउंस करा था एंड इसी लेवल से अगेन एक बाउंस आया था जहाँ पे इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेक करा था। अब ये लेवल एक गैप डाउन के थ्रू ब्रेक हुआ है, नीचे गया, अगेन इसने ट्राई करा था, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, अगेन इसने ट्राई करा, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ये जो लेवल है इसको मैं हटा देता हूँ, सी दिस, यहाँ पर एक फॉल आना स्टार्ट हुआ, अगेन ऊपर गया, अपने प्रीवियस हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया, इसने क्रिएट करा एक लोअर हाई, ठीक है, मार्केट क्लोज हो गई थी वरना ये शायद इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता था। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सिनेरियो हैं, ठीक है, लेट्स ओपन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हम लोगों ने ओपन कर लिया तो सेलिंग साइड में हमारे पास एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है और एक इजिली पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। अगर ये बाइंग साइड में अगर ये साइडवेज पर जाता है तो हम लोगों को थोड़ा बहुत इस पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये चीज़ तो देख लिया कि एक लोअर लो का कंटिन्यूशन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो इजिली लोअर लोज एंड लोअर हाईज ही बन रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, इसने एक लोअर हाई क्रिएट कर लिया, लोअर लो अभी तक मेंटेन नहीं करा। सो अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, दैट इज 16,980-16,970 का लेवल होता है ब्रेक एंड यहाँ पर एक 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है, लेट से कि एक रेड कलर की कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है,
तो वहां पे हमें उसी कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना, पहले हमें 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है। पूरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत गलतियां हो सकती है। आपको सबसे पहले 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है, उसके बाद जैसे ही उसका जो लो होगा, फॉर एग्जाम्पल ये इसका एक लो है, ठीक है, मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विक के लो की बात कर रहा हूं, जैसे ही उसके विक के लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज देती है, वहां पे आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो, या एक या दो लॉट बाय कर सकते हो पुट्स के, अदरवाइज सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी फिर फाइनल हो जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सबसे पहले हमें 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन का वेट करना है। 15 मिनट की कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया, हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का कि अगर वो इसके लो के नीचे क्लोज होती है तो हम आराम से दो लॉट पुट के उठा सकते हैं। उसके बाद अगर ये कभी भी ऊपर जाएगा, स्पाइक दे रहा होगा, तो वहां पर हम लोग पुट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बना सकते हैं। बट अगर ये पुट के इस कैंडल के लो के नीचे जा रहा है बट क्लोजिंग ऊपर ही दे रहा है, ठीक है, बार बार इसी लेवल के अंदर क्लोजिंग दे रहा है और फाइनली इसके ऊपर जाके इसने ब्रेकआउट दे दिया और क्लोज कर गया, ठीक है, तब वहां पर हम लोग एक लॉट उठा सकते हैं, तब दो लॉट नहीं, तब हम लोग एक लॉट कॉल का उठा सकते हैं। एंड देन हम वेट करेंगे एक डबल बॉटम का एट दिस लेवल और फिर हम यहां पर एक और कॉल्स की क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। देखिए जनरली ये जो लेवल है, डेली चार्ट में ओपन करता हूं आप लोगों के लिए, यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, लाइक दिस, ये वाला लेवल है ना, ये वाला लेवल जो ब्रेक हुआ है एग्जैक्टली एट दिस लेवल, ये लेवल जब ब्रेक हुआ है, एक अच्छी ब्रेक डाउन कैंडल इसने दिया और एक गैप डाउन के साथ दिया, क्लियर शॉर्ट्स पोजीशन लग रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ना यहाँ पर भी बना था, ये देख रहे हो, ये एक डबल बॉटम टाइप सिनेरियो था, बहुत अच्छा ब्रेक डाउन दिया था इसने, कंसोलिडेट करा, ऊपर गया एंड ब्रेक डाउन दिया, ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। सो इसी लेवल से एक रिवर्सल भी आना फिर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो फॉल्स ब्रेकडाउन के चांसेस भी ना कभी कभार बन जाते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें पेशेंसली वेट करना है, ठीक है, कि ये क्या इस लेवल के नीचे सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज होती है, दैट मीन्स हम लोग एक्टिव हो गए हैं, हमने ट्रेड नहीं लेना बट हम एक्टिव हो गए हैं, हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का, जो सा वो बिहेवियर देगी हमें उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। और कल तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं, कौन से साइड में हमें ट्रेड लेना है थ्रू लाइव मार्केट, मैं यूट्यूब पे लाइव आने वाला हूं एंड टेलीग्राम चैनल पर तो डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। तो ये है पूरा कंसिस्टेंस। अब यहां पे एक चीज और आती है, बाय चांस ये इस लेवल को ब्रेक ही नहीं करता और ये ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो ये 3 क्लाउडेड कैंडल्स बनी हुई है। इस 3 क्लाउडेड कैंडल्स का जो 61% है, ठीक है, लेट से ये टॉप है एंड दिस इज आर बॉटम, सो इसका जो 61% लेवल है दैट इज दिस लेवल। ये लेवल अगर ब्रेक होता है दैट इज 17,075 के लेवल के ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, देन हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 17,130 एंड सेकंड टारगेट इज 17,160। अब यहां पर आपके माइंड में आ रहा होगा, सर व्हाई नॉट दिस टारगेट और दिस टारगेट, बिकॉज यहां पर ये फॉर्मेशन है लोअर हाई का, तो जरूरी नहीं है कि लोअर हाई को टेस्ट करें, अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो ये वाली ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, ठीक है, और वहां पर हमें अर्ली बुकिंग प्रॉफिट की कर लेनी है, हमें बाय साइड में ज्यादा नहीं रहना जितना हमें शॉर्ट साइड में प्रॉफिट हो सकता है। एक बात हम लोग बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन करी, ये लेवल था, इस लेवल के नीचे गया, इसने अपना एक नया ये वाला हाई क्रिएट करा, ठीक है, लोअर हाई आप देख सकते हैं, अगेन इसने एक नया लोअर हाई क्रिएट करा बट अपने बॉटम को अभी तक इसने ब्रेक नहीं करा एज यहां पर आप चेक कर सकते हैं, बट है अभी भी बॉटम के आसपास। तो जैसा निफ्टी पे सिनेरियो बताया है एग्जैक्टली वैसा सिनेरियो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है, एक कैंडल ब्रेकडाउन देती है, क्लियरली आपको एक्टिव हो जाना है और अपने ट्रेड्स को एक्टिव रखना है, बस आपको बटन दबाना होगा, क्वांटिटीज आप लोग ऑटोमेटिकली ऐड करके रखना, ठीक है। अब बाई साइड में हमें क्या करना है, बाई साइड में एग्जैक्टली 3 क्लाउड कैंडल्स बनी हुई है, ठीक है, इसका 61% दैट इज दिस, बट हम ये लेवल नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं है हमें हमेशा टेक्निकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, हमें लेकर जाना है ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये जो एक बुलिश सॉरी बियरिश कैंडल है, इसका जो मिड है इस कैंडल का, फॉर एग्जांपल मिड ये लेवल है, तो हम इसके ऊपर अपनी एक बाय पोजीशन इनिशिएट करेंगे, इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे, दिस शुड बी आवर टारगेट, ठीक है, एंड हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अब यहां पर आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, US 30 का, तो US 30 पर लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम, लेट्स गो टू वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे है, इस लेवल से एक शार्प फॉल आया था, ब्रेकआउट दिया, नाउ इट्स गिविंग अ रीटेस्ट एट दिस लेवल। सो हमें ये चीज समझनी है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अब यहां पर ये चीज भी देखिएगा, इसने एक लोअर लो क्रिएट करा,
यस और नो, एक लोअर लो क्रिएट करा है, बट अकॉर्डिंग टू आरएसआई यहां पर एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। आप यहां चेक कर सकते हो, एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। सो दैट मींस कि यहां पर एक पुल बैक हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहां से एक मार्केट पॉज ले सकता है और ऊपर जा सकता है। तो वो ऊपर जो जाएगा ना, जो वो पुल बैक लेगा, उस पर हम लोग कुछ स्टॉक्स पे भी फोकस रख सकते हैं और मार्केट के अंदर भी माइनर शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेड्स ले सकते हैं। हमें उसे होल्ड नहीं करना, रिमेंबर दैट, हमें कोई भी बुलिश ट्रेड को होल्ड नहीं करना जब तक हमें एक डेली चार्ट पे एक अच्छा कंफर्मेशन ना मिले। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर स्टॉक्स। तो सबसे पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स पे लेट मी ओपन अ अर्ली टाइम फ्रेम फॉर यू। सो ऑन अर्ली टाइम फ्रेम बहुत अच्छा एक पैटर्न डेवलप हुआ। आप देख सकते हैं कि ये एक ना रेजिस्टेंस लेवल था, एग्जैक्टली एक डबल टॉप टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ये इसके लोस थे, एग्जैक्टली लोस को जाके टेस्ट करा। आफ्टर दैट इट क्रिएटेड अ बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट एज वेल। और अगर हम लोग मार्केट वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू स्टडी करें कि कितने बायर्स और सेलर्स एक्टिव हैं, तो सबसे ज्यादा जो हेवी पोजीशंस बन रही है ना, ये आप देख रहे हैं रेड कलर की लाइन आपको जाती हुई दिख रही है, एग्जैक्टली इधर है। सो यानी कि ये एक जोन है, इस जोन पे हेवी बायर्स भी एक्टिव है और हेवी सेलर्स भी एक्टिव है। हमें करना क्या है, जैसे इस जोन के ऊपर ही जाना स्टार्ट करता है, हम लोग अपना एक बाय ट्रेड ले लेंगे, बिकॉज वहां पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, वहां पर बायर्स अप स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहे हैं सेलर्स को, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है और एक पॉजिटिव बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना भी है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, देख सकते हैं कि एक ऊपर से फॉल आया एंड इसी लेवल पे इसने एक पॉज ले रखा है, आप यहां चेक कर सकते हैं। एंड जैसे इस लेवल का पॉज का ब्रेकआउट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बियरिश कैंडल है, इसका 61% ले लेते हैं, ये लेवल है, इसके ऊपर अगर ये निकलना स्टार्ट करता है और 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज करती है एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर, जो लेवल आ रहा है 3446 का, तो हम लोग अपना बाय सेटअप ट्रेड कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 3484 एंड 3494 का। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे एक्सपेक्टेशन है कि शायद इसके ऊपर का भी ब्रेकआउट ये दे सकता है एशियन पेंट्स, तो कल इसको वॉचलिस्ट पे जरूर रखेगा। बट याद रखेगा यहां पे अभी फाइट हो रही है बायर्स और सेलर्स की, तो अगर ये नीचे जाना भी स्टार्ट करता है तो हमें सेलर्स के थ्रू नहीं जाना, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बायर्स में है, क्योंकि एक बुलिश स्ट्रक्चर बने ना कि एक बियरिश स्ट्रक्चर बनाए। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ही ट्रेड करना है, नीचे हमें इग्नोर करना है इसको। ठीक है, इसके अलावा है अगला स्टॉक वेस्ट कोस्ट पेपर। ठीक है, तो लेट मी ओपन दिस, या जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वेस्ट कोस्ट पेपर। सो यहां पर हम चेक कर सकते हैं क्लियरली, लेट मी ओपन अ अर्ली टाइम फ्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ऑन अ अर्ली टाइम फ्रेम यहां पर आप क्लियरली, आपको एक साइन दिख रहा होगा कि एक लोअर लो बना है, एक डीप एंड लोअर लो क्रिएट हुआ है। ठीक है, लेट मी ओपन अ आरएसआई। ऑन आरएसआई यहां पर आप क्लियर देख सकते हैं एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया बुलिश डाइवर्जेंस है, ये लोअर लो हो सकता है, ये कामयाब हो सकता है, दैट मींस कि एक बियरिश साइन होगा, बट एक इंडिकेटर हमें बता रहा है कि एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अब लेट्स स्टडी चार्ट्स। ठीक है, अब चार्ट्स को स्टडी करते हैं, क्या एक्चुअल में वहां पर बियरिशनेस है या बुलिशनेस है, क्या कहीं सपोर्ट पे ये पर्टिकुलर स्टॉक है, अगर है तो वहां पर बाइंग के मौके हमें और मिल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो एक बहुत अच्छा ना, इसने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिया था, उसका ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो लेट मी रिमूव दिस कि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाए। ठीक है, यस, अब पर्टिकुलर स्टॉक ने वेस्ट कोस्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, 285 पे इसने एक अपमूव देना स्टार्ट करा एंड ऑलमोस्ट 650 तक किया, बहुत अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है। आफ्टर दैट वहां से वो फॉल करना स्टार्ट करा और अगर मैं इसके वॉल्यूम्स ओपन करूं तो आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज वॉल्यूम्स यहां पर बढ़े हुए हैं, आप यहां देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ा है। अभी मैंने आपको निफ्टी पे एक चीज दिखाई थी, निफ्टी में मैंने आपको प्रीवियस डाटा पे एक चीज दिखाई थी कि एक डबल बॉटम सिनेरियो था, एक बियरिश कैंडल ने ब्रेक डाउन करा एंड वहां से फिर वो एक रिवर्सल स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं पहले छोटी छोटी कैंडल्स हैं, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स हैं, यहां पर जितने भी सेलर्स थे वो सारे के सारे सेलर्स ने इस बियरिश कैंडल पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया है। देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम 100% श्योर, बट देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि इस लेवल पे मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स ने अपनी पोजीशन एग्जिट कर लिया। इसके अलावा ये आप येलो कलर का जोन देख रहे होंगे, ये आप देख रहे हैं हेवी बायर्स और सेलर्स की लड़ाई है यहाँ पे, दैट मीन्स कि इस लो और इस हाई का 50% लेवल है, ये लेवल है जहां पर अभी पॉज ले रखा है। सो मोस्ट प्रोबेबली कल क्या होगा, कल एक माइनर
पैनिक सेल ऑफ ये करेगा, ये पर्टिकुलर स्टॉक शायद स्टार्टिंग में एक माइनर पैनिक सेल ऑफ कर सकता है जस्ट टू शो यू कि हाँ अब यहाँ पर एक बियरिश साइन आ रहा है और मैं यहाँ पर शॉर्ट कर दूं। बट आफ्टर फ्यू मिनट्स, मतलब थोड़ी देर के बाद अगर ये रिकवर होना स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली हम लोग 550 तक के लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 550 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ी ना डिमांड एंड सप्लाई और की और बिग इंस्टीट्यूशंस कैसे प्ले करते हैं उनकी थोड़ी समझ होनी चाहिए। कैसे यहाँ पर सेलर्स एग्जिट कर चुके हैं मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स, बट कुछ अभी भी क्वांटिटीज बची होंगी, दैट वाई यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ब्लू और येलो, ब्लू और येलो, अभी भी यहाँ पर फाइट चल रही है। सो क्या हो सकता है कि शायद कल एक बार सेलर्स दोबारा रिएक्टिव होना स्टार्ट करें, क्योंकि ये बिग कैंडल देख के लोगों के माइंड में आता है यार अब तो सेल कर रहे हैं, आप लोगों के माइंड में भी वो चीज़ आती होगी, तो एक माइनर पैनिक सेल ऑफ आ सकता है जो कि इसका लो भी ब्रेक कर सकता है। वो जल्दी जल्दी होगा पर जल्दी जल्दी वो रिकवर भी करेगा, और जब वो रिकवरी स्टार्ट होगी उस रिकवरी पे हमें अपनी एंट्री लेनी होना बाय साइड। बट चलो मान के चलते हैं ऐसा नहीं होता तो क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ तो देख ली है, मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ तो देख ली है कि अच्छा सेल ऑफ आ चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे करना है। एक सेल ऑफ आया, पुल बैक लिया, अगेन एक सेल ऑफ आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, लेट मी यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि 50% भी आ रहा है और इस लेवल का सपोर्ट भी था। ये लेवल जैसे ब्रेक होता है दैट मीन्स 488, आप मान के चलते हैं 490 का लेवल अगर ब्रेक होता है ऑन अ हायर साइड तब अपना एक बाय सेटअप लेंगे। ठीक है, दो अपॉर्चुनिटीज हो गई, या तो नीचे गिर के बाय करो या तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर बाय करो, इस रेंज पे बाय बिल्कुल मत करना। ठीक है, बिकॉज इसी रेंज के अंदर बायर्स और सेलर्स की फाइट चलती रहेगी, कौन जीतेगा वो हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे पता चल जाएगा। ठीक है, सो आवर लास्ट स्टॉक इज लाल पैथ लैब। ठीक है, तो लाल पैथ लैब को मैं ओपन करता हूँ ना वीकली टाइम फ्रेम, सो ना वीकली टाइम सॉरी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं क्लियर अच्छा खासा फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, एंड एक अच्छी रैली देने की तैयारी कर रहा है। बहुत अच्छे तरीके से इसने अपने बॉटम से रिकवरी करी है और ऑन अ डेली बेसिस हल्के हल्के ही ऊपर बढ़ रहा है और एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि ये एक ना साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि शायद एक रेजिस्टेंस का हर्डल बन सकता है। किस लेवल के आसपास आ रहा है, ऑलमोस्ट आ रहा है 2615-2620 के आसपास। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अभी भी दूर है। What we can do, let's open a 15 minutes time frame. On a 15 minutes time frame, मैं यहाँ पर एक trend line draw करना चाहूँगा आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर मैंने एक trend line draw कर दी है। अगर ये fall करना start करता और इस trend line पे support लेता है और इस level पे आता है, देख रहे हो आप, ये previous swing high था, breakout दिया, breakout अच्छा नहीं जा रहा, आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा volatile wicks बनी हुई candles हैं, बहुत ज़्यादा doji candles हैं। सो अगर ये नीचे आना स्टार्ट करता है, इन लेवल्स पे पॉज लेता है और ऊपर जाता है, तब हम लोग अपनी एंट्री कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ दिस 2620 रुपीज का लेवल। ठीक है, सो हमारे तीन स्टॉक्स हैं, इन पे हम अपना फोकस रख के चल सकते हैं, आई थिंक हम लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर आप जाके ज्वाइन करो, बिकॉज कल से वहां पर मैं एक्टिव हो रहा हूं और आपको एवरी डिटेल्स मिलने वाली है जो आप लोगों को एज अ फ्यूचर ट्रेडर बनाने में हेल्प कर सकती है। सो मेक श्योर टू फॉलो अस, ज्वाइन अस एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।